हाय ऑल वेलकम टू द माय चैनल डॉक्टर अब्दुल बासित एच कंप्यूटर साइंस डॉक्टर अब्दुल बासित एच कंप्यूटर साइंस चैनल में आपका स्वागत है तो आप लोगों के लिए मैंने जो है अब तक जो है सारे सारे सब्जेक्ट्स का टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंस कॉन् जो कॉन्सेप्ट वाइज जो आपके लिए क्वेश्चन पेपर मैंने लाया है आप लोगों के लिए तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा तो अगर आपको अच्छा लग रहा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को प्लीज़ शेयर भी करें प्लीज़ लाइक like करें और कमेंट भी करें कैसा क्वेश्चन है ताकि अगर आप इस तरह से कमेंट करेंगे लाइक करेंगे तो मैं और भी अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना पाऊँगा टाइम कम है मुझे पता है आप लोगों के लिए जो है मैं ऑलमोस्ट एटीन तक क्वेश्चन बनाऊंगा होप फुली एटीन तक जितना होगा बना दूंगा उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन नहीं बनाऊंगा इसी को आप लोग रिविजन करना ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं ये मैंने जो क्वेश्चन लाया नेटवर्क सिक्योरिटी से लाया नेटवर्क सिक्योरिटी पे जो जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो क्वेश्चन लाया दो ही सेट लाऊंगा इसके लिए ज्यादा नहीं लाऊंगा लेकिन इसको देख लेना एक बार नेटवर्क सिक्योरिटी से और साइबर सिक्योरिटी के क्वेश्चन से यहाँ से पांच दस क्वेश्चन तो रहेंगे रहेंगे तो वट डज द टर्म फायरवाल रिफर्स द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फायरवाल क्या रिफर करता है

कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज विदाउट दियर नॉलेज है ना तो क्या करता है दो पार्टी होता है उसके बीच विदाउट दियर नॉलेज इंटरसेप्ट करता है उसको पढ़ता है और उसको अपने पास रखता है तो मतलब बेसिकली ए और बी कम्युनिकेट कर रहा है और सी बीच में दोनों के मैसेज को पढ़ रहा है क्या दोनों में डिस्कशन हो रहा है इसको मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं मैन इन मिडिल अटैक बोलते हैं ठीक है डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक नहीं बोल रहा डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक में बेसिकली क्या होता है जस्ट ज़्यादा जिस बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पैकेट दे दिया जाता है जिससे का सर्विस अनवेलेबल हो जाता है फिसी अटैक में क्या होता है कि जे इन, इलीगल बिहेव करके कर मतलब जो पर्सन होता है उसको वही नहीं, नहीं बोल करके उसको जो है अलग जगह पे भेजता है जैसे कि मान लो कि www.sbi.com है sbi.com में भेजना था लेकिन फिशिंग करा के उसको जो है sbi.co.in में भेज देता है वन मतलब sbi1.co.in में भेज देता है इस तरह से ठीक है द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द डिसेप्शन टू मैनिपुलेट इंडिविजुअुअल इंटू द रिविलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन एज सोशल इंजीनियरिंग द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द डिसेप्शन ऑफ टू मेनिपुलेट इंडिविजुअुअल इंटू रिविलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इज द सोशल इंजीनियरिंग इंक्रिप्शन नहीं होता है फायरवाल नहीं होता है इंट्रोन इंट्रोशन इंट्रोजन डिटेक्शन नहीं होता सोशल इंजीनियरिंग होता है

डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क ऑफ कंप्रोमाइज्ड कंप्यूटर यूज टू परफॉर्म द कॉर्डिनेट अटैक इन द कॉर्डिनेट अटैक इज कॉल्ड द बोट नेट वट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इंक्रिप्शन इन द नेटवर्क सिक्योरिटी प्राइमरी गोल ऑफ इंक्रिप्शन इन नेटवर्क सिक्योरिटी ब्लॉकिंग द नेटवर्क अटैक नो प्रिवेंट द अनथोराइज एक्सेस टू द फिजिकल लोकेशन नो प्रोटेक्टिंग द कॉन्फिडेंसिलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द डेटा यूजिंग ट्रांसमिशन तो हम लोग इंक्रिप्शन इसीलिए करते हैं कॉन्फिडेंसिलिटी और इंटीग्रिटी अचीव हो जाए हमारा और प्रोटेक्टिंग द Confidentiality and integrity. Data that during the transform, transmission. What does the term phishing refers to context of network security? Uh, the the gaining the unauthorized access to the network, gaining that manipulating the network traffic to redirect, and right? manipulating the network to redirect, the attempting to trick the individual into revealing the sensitive information phishing attempting to trick the individual into revealing the sensitive information fishing bolt. What is the purpose of what is the purpose of intrusion detection system and intrusion prevention? सिस्टम आईपीएस सिस्टम का पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रिज है जो सिक्योरिटी ब्रिज है उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसको बताते हैं ना पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रिज बताते हैं इनफैक्ट रिस्पॉन्सिबल सिक्योरिटी विथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विथ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विध सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इंश्योर द सिक्योर

वाट इज द ब्रुट फोर्स अटैक इन द नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रुट फोर्स अटक इन नेटवर्क टाइप ऑफ मालवेर अटैक इंटरसेप्टिंग एंड अल्टरिंग द कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टीज गेनिंग द अनथोराइज एक्सेस टू नेटवर्क यूजिंग ट्रायल एंड एयर मेथड यस गेनिंग एन अथोराइज एक्सेस टू द नेटवर्क इन द ट्रायल एंड एयर मेथड इज अ ब्रूट फोर एप्रोच है ना गेनिंग द अथोराइज्ड एक्सेस अनऑथोराइज एक्सेस ट नेटवर्क यूजिंग द ट्रायल एंडर मैथड जैसे कि आपके पास पासवर्ड है मुझे नहीं पता आपका पासवर्ड क्या है अगर मैं ट्रायल एनर करके आपका इस पास पास पासवर्ड ले लूँ इस अप्रोच को बेसिकली हम लोग बोलते हैं ब्रूट फोर अप्रोच व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिजिटल सर्टिफिकेट इन द नेटवर्क सिक्योरिटी तो फिल्टरिंग द मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक नो आइडेंटिफाइंग द पोटेंशियल वलेबिलिटी इन द नेटवर्क नो इनक्रिप्टिंग द डेटा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन नो वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेबसाइट एंड इंटिटी तो पब्लिक सर्टिफिकेट होता है जो कि बताता है ये सर्ट ये जो वेबसाइट है ये सही है ऑरिजिनल वेबसाइट है तो हम लोग सर्टिफिकेट का ही काम होता है वेरीफाइंग द ऑथेंटिसिटी एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट और एंटिटी ऑथेंटिसिटी ऑफ वेबसाइट एंड What is the role of proxy server in the network security filtering the con filtering and controlling the access to website and resources filtering and controlling the access to the website website and resources what is the role of proxy server in network security filtering and controlling the access to the website and resource proxy server kahi filter karta control karta access of the website and resource okay okay next which type of attack involves sending a large amount of data to the network and website to overhelm it? टू मेक इट अन अवेलेबल यूजर ऑब्बियस डॉस अटैक यही होता large amount of data है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा बेचते हैं सेंडिंग पैकेट लार्ज अमाउंट ऑफ सेंडिंग दो बेचते हैं पैकेट भेजते हैं इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पैकेट और उसको जो है ओवरहड में करता है और सर्विस अवेलेबल होता है जैसे कि डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ए बी सी डॉट कॉम है तो मैं इतने ज्यादा रिक्वेस्ट भेजूँगा ए बी सी इतने लोग खोले गए उसकी कपैसिटी वन लाख है अगर टू लाख रिक्वेस्ट भेज देंगे तो रुक जाएगा वो नहीं चलेगा उसको डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं वट इज द प परप ऑफ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इन द नेटवर्क सिक्योरिटी एम एफ एम एफ ए को क्रिप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक नो ब्लॉकिंग ऑथराइज एक्स

वट इज द पर्पज ऑफ़ हनी पॉट इन नेटवर्क सिक्योरिटी हनी पॉट का ही मतलब होता है इनक्रिप्टिंग नेटवर्क ट्रैफिक नो ब्लॉकिंग ऑथोराइज एक्सेस टू द नेटवर्क नो लूरिंग ल्यूरिंग अटैकर एंड कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर अटैक्टिक्स है ना तो अटैकर के बारे में उसको पहले अटैकर को हम लोग जो है रिसीव करते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन लाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं हनी पॉट इन नेटवर्क सिक्योरिटी विच सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व इन श्योरिंग दैट डेटा रिमेन्स एक्ूरेट एंड अनअल्टर्ड ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन एंड स्टोरेज ट्रांसमिशन एंड डेटा में रिमेन सेम रहता है अनअल्टर्ड नहीं होता है वह इंटिग्रिटी होता है इंटीग्रिटी से हम डेटा रिमेन चेंज नहीं होता है वट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट प्राइमरी गेल ऑफ़ नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट का क्या होता है इनक्रिप्ट्रिप्टिंग द नेटवर्क ट्रैफिक नो आइडेंटिफाइंग एंड एड्रेसिंग द वेल्टी इन नेटवर्क अगर हम नेटवर्क सिक्योरिटी ऑडिट करते हैं ये देखते हैं कि नेटवर्क में क्या क्या कैनल्टी ये आइडेंटिफाई करते हैं और एड्रेस करते हैं अगर कुछ वेनल्टी हो नेटवर्क में कुछ भी अगर इशू हो तो उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं और एड्रेस करते हैं उस वेनल्टी को सही करते हैं विथ सिक्योरिटी विथ सिक्योरिटी मेजर इन्वॉल्व मॉनिटरिंग द नेटवर्क ट्रैफिक नेटवर्क ट्रैफिक एंड आइडेंटिफाई द पोटेंशियल सिक्योरिटी ब्रीच इन रियल टाइम है ना रियल टाइम में करते हैं वो आईडीएस होता है होता होता है यह security measure यह होता है कि जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपका है और उसमें आपने daily जो टू हंड्रेड रुपीज खर्च कर रहे हैं लेकिन suddenly 5, रुपीस खर्च कर तो ये इस real time balance को देखता क्यों ऐसा हुआ तो आपको मैसेज किया जाता है कि आपने सही माने में खर्च किया कि नहीं के से करते हैं वट टर्म मालवियर रिफर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी मालवियर क्या रिफर करता है टाइप ऑफ इक्रिप्शन फिजिकल बैरियर अराउंड द नेटवर्क नो सॉफ्टवेयर डिजाइन टू हार्म और एक्सप्लॉयट द कंप्यूटर सिस्टम उसको मालवेयर बोलते एक सॉफ्टवेयर जो है स्पेशली सॉफ्टवेयर बनाते हैं उस कंप्यूटर सिस्टम को और बुरे कंप्यूटर को एक्सप्लॉयट करने के लिए और डिजाइन करता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिजाइन एंड हार्म टू एक्सप्लॉयड द कंप्यूटर नेटवर्क इसको मालवेयर वट इज द टर्म डी एम जेड डी एम जेड और डी मिलेट्राइज जोन डी मिलेट्राइज नेटवर्क का मतलब यहां है आइसोलेटिंग द पब्लिक सब फेसिंग सर्वर फ्रॉम द इंटरनल नेटवर्क रिसोर्स है ना तो बेसिकली आइसोलेटिंग द पब्लिक फेसिंग सर्वर फ्रॉम इंटरनल नेटवर्क रिसोर्स को डी मेट्राइज बोलते हैं पब्लिक फेसिंग सर्वर नेटवर्क को इंटरनेटवर्क से रोक देते हैं ठीक है तो उसको ये बोलते हैं वट विच सिक्योरिटी मेजर इन्वॉल्व डिवाइडिंग नेटवर्क इन टू द स्मॉलर सेगमेंट टू लिमिट द पोटेंशियल इंपैक्ट ऑफ सिक्योरिटी ब्रीच है ना नेटवर्क सेगमेंटेशन करते हैं नेटवर्क सेगमेंटेशन क्या करते हैं अगर कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ तो जो है उतने ही लोगों को पड़ेगा इफेक्ट पूरे कंप्यूटर सिस्टम पूरे नेटवर्क को नहीं पड़ेगा वट इज द प्राइमरी गोल नेटवर्क सिक्योरिटी अवेरनेस ट्रेनिंग नेता है नेटवर्क रिसोर्स ओवर द इनक्रिप्टेड कनेक्शन एस एच एस है ना एस एच हाइपर ट्रांसपोर्ट प्रोटोकल तो बस हम लोग लिखते हैं एफ टीपी फाइल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल करते हैं एफ एम टीपी सिंपल मेल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है जो कि हम लोग इसका जो पोर्ट नंबर होता है 25 होता है एस टी टी एस टी पी का एट्टी होता है ना और एस टी का जो है फोर फोर्टी थ्री होता है फिफ्टी पी का ट्वेंटी ट्वेंटी वन होता है ठीक है एस 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 का सिक्योर लॉकेट सिक्योर सॉकेट सेल होता है सिक्योर सॉकेट सेल होता है सिक्योर सेल होता है फोर्टी इसका होता है और ये जो है uh, जो है रिमोट कनेक्शन हम लोग कनेक्शन करते हैं ठीक है तो ऑलमोस्ट आपने प्रैक्टिस सेटबक बन लिया इससे भी क्वेश्चन एक दो टाइप का आ सकते हैं मैं सेट टू भी बना दूंगा आप लोगों के लिए जहाँ से भी मुझे लगेगा जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए सब लोगों के लिए मैं क्वेश्चन बना दूंगा और इसीलिए मैंने आंसर दे दिया आपको टाइम बचेगा प्लीज इसको जाके एक, एक एक बार आप गो थ्रू कर लो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लिए और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और कुछ कमेंट भी लिखें कि कैसा क्वेश्चन है आपके लिए थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट टेक केयर बाय बाय